ध्यान दें। तो कैसे दोस्तों, मैं अनुराग, इन सभी का स्वागत करता हूँ पोमटॉय अनुराग चैनल में। दोस्तों, इस टॉपिक में बात करेंगे थोड़ा सा हटके, ठीक है, टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, और दोस्तों कह सकते हो कि थोड़ा सा सैड भी है मेरे लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो डॉग है ना मेरा टॉमी, ये डॉग दोस्तों इसे एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था। हो सकता है कि आपके डॉग को भी काट ले, तो उस समय क्या करना चाहिए आपको, तो आप इस वीडियो को देखो, थोड़ा सा आप एक माहौल समझ सकते हो। तो दोस्तों ये जो डॉग था, इसे मैंने सबसे पहले तो इंजेक्शन ख़रीदा, फिर इंजेक्शन लगाया। दोस्तों इंजेक्शन लगाने में ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, या फिर कह लो कि घबरा गया था, कि सबको काटने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने 15-20 मिनट में इसे किसी तरीके से हैंडल किया, और 20 मिनट के बाद ये तैयार हुआ इंजेक्शन लेने के लिए। और सारे चीज़ों का मैंने वीडियो बनाया, और मेन जो है ना वीडियो का इंटरेस्टिंग थी कि 15 मिनट का वीडियो मैंने स्पीड कर दिया है, और लगभग एक मिनट कुछ सेकंड हुआ है, तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप वो वीडियो देखना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से मैंने शॉप में गया और वैक्सीनेशन ख़रीदा, और किस चीज़ में लाया, क्योंकि वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ें में नहीं लाओगे तो आपका वैक्सीनेशन वेस्ट चला जाएगा। अगर डॉग की जान बचने वाली भी है तो नहीं बच पाएगी। तो सारे चीज़ें मैंने किया है, और वीडियो को आगे देखेंगे। और लास्ट में ये ज़रूर देखना कि मैंने इसे जो वैक्सीनेशन दिया था 15 मिनट का, उसे मैंने एक मिनट का वीडियो बनाया स्पीड करके, वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और चलो, ये तो गांव है, गांव का किस तरीके से होगा आप लोग समझते हो, मैं भी गांव से ही हूँ। देख सकते हो कि पीछे ये आपको घर भी दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला तो गाँव ही है। तो इसी तरीके से मैंने वीडियो बनाया है, थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन हाँ चलो सब कुछ सही है। आप वीडियो देखना और ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो है ना पेडिग्री, और ये अपना ड्रूस हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोच रहे हैं कि क्या बनाए, बेस्ट डॉग फूड बनाए, या फिर पाकिस्तान का, पाकिस्तान में जर्मन शेफर्ड की प्राइस क्या है। तो ये दोनों चीज़ में से मेन टॉपिक क्या है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं उसी चीज़ पे बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि इसकी वैक्सीनेशन की प्रोसेस क्या क्या रही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो आप थर्मस देख रहे हो, ये मेरा ही थर्मस है, और इस थर्मस में मैंने छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा डाला है, और फिर ये वैक्सीनेशन डाला हूँ। दोस्तों इससे क्या होगा कि वैक्सीनेशन सही तरीके से काम करेगा। अगर बर्फ़ नहीं डाला जाएगा तो वैक्सीनेशन की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, फिर वो कोई काम का नहीं रह पाएगा। इसलिए जब भी वैक्सीनेशन लाया जाता है तो बर्फ़ का टुकड़ा डाल करके ही लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ले लिया मैंने ये। तो दोस्तों यही है, हमारे दोस्त कह लो, डॉक्टर कह लो, तो मेरे गांव में यही देते हैं सभी को सुई, गाय हो या डॉग्स हो, गॉट हो, तो सभी को। और इनको पता है कि किस तरीके से सुई दिया जाता है, तो इसीलिए मैंने इनका हेल्प लिया है। अब यही देंगे हमारे टॉमी को एंटी रेबीज का ये शॉर्ट इंजेक्शन। चलिए हम आगे देखते हैं टॉमी का जो वीडियो है स्पीड वाला, तो स्पीड है थोड़ा सा, चलो उसी देखेंगे। और ये देखते हैं कि वो किस तरीके से परेशान हो गया था, और हम लोगों ने किस तरीके से उसे मनाया, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Thank you.